पर सरकार ने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी कैश ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट करने के नियमों में ढील दे दी है। सरकार ने फॉर्म 61A यानी 61A के नियमों में ढील दी है। अब सिर्फ 114E यानी 114E के तहत आने वाले ट्रांजैक्शन को ही रिपोर्ट करना होगा। इससे छोटे कारोबारियों और छोटी कंपनियों को फायदा हो सकता है। किसी ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करने के लिए इनकम टैक्स विभाग में रजिस्टर कराना होगा। आपको बता दें कि इनकम टैक्स विभाग ने व्यावसायिक प्रतिष्ठान, वित्तीय संस्थानों और इनके साथ डॉक्टर, वकील, आर्किटेक्ट और जैसे प्रोफेशनल्स के लिए बड़े ट्रांजैक्शंस की जानकारी देना जरूरी कर दिया है। इन लोगों को कैश डिपॉजिट, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, शेयर बिक्री और संपत्ति सौदों के बड़े लेनदेन की जानकारी 31 मई तक देनी होगी। सैलरीड क्लास को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी SFT देने की जरूरत नहीं है।